हेलो फ्रेंड्स, मैं दामू और आप देख रहे हैं द मैकेनिक बडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन या पीसी से अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपने जो अपना पीडीएफ फाइल डाउनलोड किया आपने ई आधार का, उसको कैसे ओपन कर सकते हैं और उसका पासवर्ड फॉर्मेट क्या होने वाला है। तो फ्रेंड, बेसिकली इस वीडियो के पीछे जो बनाने का रीज़न है वो ये है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो पोस्ट किया था आधार कार्ड से रिलेटेड। तो फ्रेंड, मेरे को वहाँ पे उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमने अपना आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल तो डाउनलोड कर लिया है लेकिन हमसे उसका पासवर्ड फॉर्मेट जो है वो पता नहीं लग रहा है और हमसे वो पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करके अपना पीडीएफ फाइल का जो फॉर्मेट है वो क्या होगा और आप उस पीडीएफ फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और फ्रेंड, अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं पीसी यूज करने वाला हूँ और आप चाहें तो आप अपना मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि कमेंट बॉक्स में, आपको वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाइए जो कि आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है और फ्रेंड, इस वेबसाइट को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी इस पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे है वेबसाइट और आप यहाँ जैसे ही एंटर करोगे आपको आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। और फ्रेंड देखिए, आपने यहाँ पे अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तब भी आपको इंटरफेस सेम मिलेगा। और फ्रेंड देखिए, आपने यहाँ पे आना है आधार एनरोलमेंट, तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन में या पीसी में। तो आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है डाउनलोड आधार पे। तो अब फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे आधार कार्ड के पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ मिल जाएगा। अभी यहाँ पे शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे अब ओपन हो चुका है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड देखिए, आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो पासवर्ड का फॉर्मेट है उसके बारे में बता रहा है। तो फ्रेंड, हम इसको यहाँ पे काट देते हैं क्योंकि मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आपने कैसे करना है और क्या करना है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके पास यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को दो तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड आपके पास, अगर आपने अपना आधार कार्ड जो कि न्यू बनवाया है बिल्कुल अभी, तो आपके पास एनरोलमेंट आईडी होगा। तो अगर आपके पास एनरोलमेंट आईडी है तो आप यहां से क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहां पे आधार अगर पुराना है आपका, तो आपने यहां पे आधार नंबर पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, मैं यहां पे आधार नंबर पे क्लिक करके और आधार से डाउनलोड करके बताने वाला हूं। आप चाहें तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप एनरोलमेंट से जा सकते हैं, आधार नंबर से जा सकते हैं। अब फ्रेंड, आपने इस जो फर्स्ट है आपका यहां पे आधार नंबर आपने डालना है, जो भी आपका आधार नंबर है। और फ्रेंड, आपने यहाँ पे अपना जो फुल नेम का आपका यहाँ पे बॉक्स है, इसमें फ्रेंड आपने अपना नाम डालना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो कि आपका के सेंसिटिव होता है, तो आपने अपना नाम जो कैपिटल लेटर में, मतलब कि आपका जो पहला नाम का लेटर होगा वो कैपिटल होने वाला है और उसके बाद आपने जैसे कि आपका नाम लिखते हो वैसे ही होता है। मतलब कि आपके अगर जैसे कि यहाँ पे लेटर्स हैं, पहले लेटर्स को आपने यहाँ पे कैपिटल रखना होता है, बाकी को स्मॉल रखना होता है। अब फ्रेंड, आपने अपने एरिया का जो पिन कोड है आपने उसको डाल देना है, मतलब कि आपके एरिया का पिन कोड, तो आपने इसको डाल दीजिए। जो भी आपका पिन कोड है आप उसको डालेंगे। अब फ्रेंड देखिए, आपको यहाँ पे आपका पिन कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है जो आपका कैप्चा है। तो फ्रेंड, आप इस कैप्चा को देख लेंगे यहाँ पे और आपने अपने कैप्चा को यहाँ पे नीचे एंटर कर देना है। तो फ्रेंड, जो भी आपको कैप्चा दिख रहा है आप उसको यहाँ पे एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज को फिल करने के बाद आप एंटर करोगे। अब फ्रेंड देखिए, आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है गेट वन टाइम पासवर्ड। तो फ्रेंड, अगर आपका जो आपका आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड से जाते हो, तो आपका मोबाइल जो है वो रजिस्टर होना चाहिए। अब फ्रेंड, अगर आपका मोबाइल रजिस्टर नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड एनरोलमेंट आईडी से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको कोई आधार नंबर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका वहां पे सब कुछ जो कि TOTP होता है वो आपको वहीं पे मिल जाता है, आपके सब उसमें लिखा होता है। तो फ्रेंड, आप अगर आधार से कर रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्टर नंबर की जरूरत पड़ेगी, आप चाहें तो पहले रजिस्टर कर सकते हैं। अब फ्रेंड देखिए, आपने जैसे यहाँ पे डाल दिया है कैप्चा डालने के बाद, आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है गेट वन टाइम पासवर्ड। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आपको कुछ इस तरह का विंडो पॉपअप मिलेगा।
अब फ्रेंड आपका जो रजिस्टर नंबर है इसके लिए पूछ रहा है कि हम इस पे सेंड करने वाले हैं ओटीपी, तो यहाँ पे आप कंफर्म कर दीजिए। और जैसे ही आप कंफर्म करोगे, जो कि आपका मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर पे आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का ओटीपी है, वो सेंड कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड देखिए, आप मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरा आधार कार्ड का ओटीपी क्या है। तो फ्रेंड मेरे मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड का ओटीपी आ चुका है। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे ओटीपी के लिए यहाँ पे एक बॉक्स मिल जाता है, तो आपने इस बॉक्स में अपना ओटीपी डाल देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं मेरे पास जो आया है वो यहाँ पे एंटर करता हूँ, और आपके पास जो भी आता है आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। ऐसा नहीं कि जो मैं एंटर कर रहा हूँ वही आप एंटर करें। तो फ्रेंड जो आपके पास आता है उसको एंटर करना। अब फ्रेंड देखिए, जैसे आप यहाँ पे वैलिडेट एंड डाउनलोड पे क्लिक करते हो, आपका आधार कार्ड डाउनलोड होने लग जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो गया है आधार कार्ड, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया है आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल। और फ्रेंड डाउनलोड होने के बाद मैं आपको यहाँ पे ओपन करके बताता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो आपके डाउनलोडिंग पे, तो यहाँ पे आपको जो कि आपका पासवर्ड है ये है मेन। तो मतलब कि आपने अब इसको पासवर्ड को कैसे यहाँ पे ओपन करना होगा, आपने इस फाइल को कैसे खोलना होगा, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैं 3 से 4 एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपका नाम यहाँ पे किस तरह से हो सकता है। मान लीजिए फ्रेंड आपका नाम यहाँ से कुछ इस तरह से है, जैसे कि सुरेश कुमार। तो फ्रेंड देखिए, आपका जो पासवर्ड होगा सुरेश कुमार नाम है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए यहाँ पे 1990 मतलब कि 1990 है आपकी डेट। तो फ्रेंड आपकी डेट कुछ भी अलग भी हो सकती है। तो फ्रेंड जो पासवर्ड होगा आपके नाम का कुछ इस तरह से होगा, आपके नाम से 4 लेटर मतलब कि जैसे कि SURE मतलब कि वो हो जाएगा सूर्य, लेकिन जो आपके लेटर्स होंगे वो कैपिटल होंगे। तो फ्रेंड जो इस नाम का पासवर्ड होगा वो इस तरह से होगा कुछ, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे सारे कैपिटल होंगे, जैसे कि SURE मतलब कि आपके नाम के 4 लेटर जो शुरू से पढ़ रहे हो आपके। तो यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा कैपिटल लेटर में SURE 1990 मतलब कि 1990 मतलब कि 1990। अब फ्रेंड आपका यहाँ पे अगर नाम कुछ इस तरह से है, मतलब कि मान लीजिए आपका नाम यहाँ से कुछ इस तरह से, जैसे कि साई कुमार। तो फ्रेंड आपके नाम का जो पासवर्ड होगा यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, आपके मतलब कि साई के 3 लेटर और कुमार का 1 लेटर, मतलब कि आपके नाम के 4 लेटर यहाँ पे होने चाहिए, और फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो आपका पासवर्ड होगा वो यहाँ पे SAIK 1990 मतलब कि आपका साई के 1990 आपका पासवर्ड हो जाएगा। अब फ्रेंड मान लीजिए आप अपने नाम में कुछ इस तरह से अपनी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से, जैसे P.Kumar यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो जो आपका पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आपके इतने लेटर हो जाएंगे कि मतलब कि P 1 लेटर, डॉट दूसरा लेटर, और KU 4 लेटर मतलब कि आपके नाम के 4 लेटर, और यहाँ पे अब आपकी डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए फ्रेंड आपके नाम में अगर 3 ही लेटर है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हम रिया कोई नाम है। अब अगर फ्रेंड आपके मतलब कि नाम में ही 3 लेटर हैं, तो आप अपने नाम के 3 ही लेटर यूज करके आप में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और आपका पासवर्ड जो है वहां पे ओपन हो जाएगा, आपकी पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप फ्रेंड मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो मेरे नाम के 4 लेटर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ ओपन मतलब कि डालूंगा यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सबमिट कर देना है। और सबमिट जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरा जो कि पासवर्ड और मेरा जो यहाँ पे आधार कार्ड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे मैंने अपनी जो डिटेल्स हैं, जो मेरा यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरा आधार कार्ड और मैंने अपनी डिटेल्स यहाँ पे छुपा के रख रखी है, ताकि मेरा एड्रेस वगैरह है यहाँ पे। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे इनको छुपा के रख रखा है, और फ्रेंड मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी हैं कि आपने अपना आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, और जो आपकी पीडीएफ फाइल का जो पासवर्ड का फॉर्मेट है जो कि बिल्कुल न्यू है, उसको कैसे ओपन करना है। तो फ्रेंड उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और फ्रेंड आगे भी मैं आधार कार्ड से रिलेटेड कि आपका आधार कहीं पे मिसयूज नहीं हो रहा है करके एक वीडियो पे काम कर रहा हूं, तो वो भी आपको शायद पसंद आएगा, और ये वीडियो भी आपको शायद पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।